हरे कृष्णा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आज बताएंगे नहीं, आज आपको सिखाएंगे, वो है धोती। ये जो सनातन धर्म के जो रूल है वो है धोती। हमारे में ये जो धोती जो हम पहनते हैं ना, जो इस्कॉन पहनते हैं, वैष्णव कल्चर में सब धोती पहनते हैं, तो कैसे ये धोती पहनते हैं वो आज ये हमारे, ये देखिए लीलानाथ प्रभु, जो 4 साल का बच्चा, ये आज इनके पिताजी से सखा सुदामा दास प्रभु जी मायापुर में रहते हैं, तो ये आज उनको बताएंगे और आपको भी सिखाएंगे। ये छोटा सा बच्चा जो धोती आज ये भी पहनेंगे और हमें भी पहनाएंगे, धोती सिखाएंगे भी। हरे कृष्ण, आप देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। कृष्णा, तो आप देखिए ये जो लंबा जो कपड़ा है, तो पहले जो ये कमर में ये दो साइड में हाथ में पकड़ना चाहिए, तो उसके बाद ये थोड़ा से हाथ से गिर देना चाहिए इसी करके। ये देखिए एक जो साइड है ये कमर से जो पैर तक नीचे तक इसे लेना चाहिए। और ये छोटा जो कपड़ा है, ये छोटा कपड़ा ये सामने से ऐसे पीछे लेना चाहिए, जो जो पैर है बीच में ऐसे नीचे लेना चाहिए ऐसे। तो छोटा जो पार्ट जो है वो पीछे लेकर ऐसे दो अंगुल के ऊपर ऐसे करना चाहिए छोटा छोटा, देखिए ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद और ये लेफ्ट साइड जो लंबे जो कपड़ा है, एक कपड़ा सामने लेना चाहिए। वन टू थ्री, ये भी एक सिस्टम है। कोई अगर डिवोटी ऐसे करके पहनते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया त्रिकोच। त्रिकोच मतलब क्या है, जो ये पार्ट जो है ये तीन जो पार्ट होना चाहिए, ऑन टू एंड थ्री, तीन पार्ट। तो इनको त्रिकोष धोती पहना कहते हैं। तो आप लोग देखिए, हमारा साथ में रहिए और आप भी घर में प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्ण।